आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों का। खबर सोनभद्र से है, जहां पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में होली और शबे बारात को लेकर थाना प्रभारी ने सप्रांत लोगों के साथ बैठक की। बैठक में हिंदू मुस्लिम दोनों त्योहारों को शांतिप्रिय ढंग से मनाने के लिए चर्चा की गई। इस दौरान उप निरीक्षक ब्रजेश पांडे और भाजपा नेता के साथ काफी क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। मानपुरी के अलाउ थाना क्षेत्र के रहने वाले एक आरोपी द्वारा क्षत्रिय समाज के पृथ्वीराज चौहान, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से क्षत्रिय समाज के युवक में भारी रोष व्याप्त है। आक्रोशित क्षत्रिय समाज की तरफ से थाना अलाउ में नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। आक्रोशित लोगों का कहना है कि इस वजह से समाज में अशांति का माहौल पैदा हुआ है, समाज के लोगों को काफी ठेस पहुंचा। आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। थाना अध्यक्ष सुनील कुमार भारद्वाज ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये मामला है, हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी और राजा भैया कुंडा के, उनके बारे में अभद्र टिप्पणी की और उनके बारे में भद्दी गालियां मोबाइल पर लिखी गई हैं। राहुल यादव, सन ऑफ शिवकेश यादव। आप लोगों ने क्या किया था? हम क्षत्रिय समाज के सैकड़ों लोग इकट्ठे होकर थाने पहुँचे और उनके नाम से एक तहरीर दी है, वह मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां मिशन इंद्रधनुष अभियान के अंतर्गत हो रहे टीकाकरण का निरीक्षण करने पहुंचे जिला क्षय रोग अधिकारी। इस दौरान बीसीपीएम, डब्ल्यूएचओ मॉनिटर और सुपरवाइजर भी मौजूद रहे और टीकाकरण से मना करने वाले बच्चों का 100% टीकाकरण करवाने के भी निर्देश दिए गए। खबर सोनभद्र से है, जहां अवैध खनन माफियाओं पर वन विभाग ने चाबुक चलाकर दो ट्रैक्टर अवैध बालू से लदे रंगे हाथों पकड़ा और दोनों ट्रैक्टर को वन विभाग टीम ने माल सहित जब्त किया। वहीं खबर है कि क्षेत्र की अजीर नदी नालों में से हर रोज 30 ट्रैक्टर बालू के अवैध खनन में लगे हुए हैं और पुलिस प्रशासन आचार संहिता का हवाला देकर शांत बैठी है। खबर अमेठी से है, जहां उत्तर रेलवे द्वारा नोटिस मिलने पर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। वहीं ग्रामीणों ने रेलवे विभाग पर जबरन नोटिस चस्पा करने का आरोप लगाया और कहा कि हमारा घर बहुत दिनों से बना है और हम सब बेघर हो जाएंगे, सरकार हमको मुआवजा दे या कहीं रहने के लिए जगह दे। बता दें कि पूरा मामला संग्रामपुर थाना क्षेत्र के ठेगाह के पास का है। पर बाजा आज कई पुश्त से इस घर में रह रहे हैं और रेलवे तब नहीं बनी थी, रेलवे से पहले के हमारे मकान हैं और आज कल हमारे घर पे नोटिस चिपका दिए कि आप खाली कीजिए, हम इतनी जल्दी कहाँ जाएं। हम लोग कम से कम 50-60 घर के आदमी हैं और इतने परिवार हैं, कहाँ जाएंगे? ये लोगों को कोई व्यवस्था नहीं है, इनका घर गिर जाएगा तो कहाँ जाएंगे? कि घर से निकाली जा रही हूँ, घर गिराया जा रहे हो, नोटिस आए घर में चपकाई है और हम हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ लेके जाऊँ? नोटिस कौन चपकाया? वो PAW रेलवे वाले। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि सुरक्षा हम लोग को किया जाएगा, व्यवस्था यही मांग रही हूँ मैं। खबर फिरोजाबाद से है, जहां दबंगों ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कार्य किया, जिसकी शिकायत बबलू गौतम ने उच्च अधिकारी से भी की, पर मामले पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं शिकायतकर्ता ने लेखपाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए दबंगों से रुपए लेकर निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें लेखपाल हिमांशु मित्तल भी शामिल है।
रामनगरी अयोध्या का पड़ोसी जनपद गोंडा मादक पदार्थ गांजे का हब बनता जा रहा है। बता दें कि उड़ीसा से गोंडा जा रहा 23 लाख रुपए का 210 किलो गांजा पकड़ा गया है। यूपीएसटीएफ और अयोध्या जनपद की रोनाही थाने की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सफलता मिली है। बुकबीर की सूचना पर एसटीएफ के सब इंस्पेक्टर अतुल चतुर्वेदी अपनी टीम के साथ रोनाही थाना क्षेत्र पहुंचे और रोनाही पुलिस को साथ में लेकर अरकुना पुल के पास घेराबंदी कर दी। गांजे को बरामद कर लिया गया। दिनांक 13 मार्च 2022 की सुबह थाना रौनाही पुलिस द्वारा और एसटीएफ की टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई में एक डीसीएम से लगभग 210 किलो और 600 ग्राम के आसपास गांजा पकड़ा गया है। दो अभियुक्तगण जो डीसीएम में थे उनकी गिरफ्तारी की गई है। पूरी सप्लाई चेन को स्टडी किया जा रहा है, कहाँ से लेकर चले थे, कहाँ डिलीवर करना था इनको, और भी जो भी इन्होंने नाम बताए हैं पूछताछ की जा रही है और विधिक कार्रवाई उनके विरुद्ध भी की जाएगी। जो दो अभियुक्त कल गिरफ्तार हुए तो जेल भेजा जाएगा। बलरामपुर में अपराधी और अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पुलिस काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। इसी क्रम में बलरामपुर के थाना कोतवाली उतरौला पुलिस ने सक्रिय कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्त के पास से अवैध देसी तमंचों समेत जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। पुलिस अब शातिर अभियुक्तों के पास कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा अन्य तीन अभियुक्तों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आज 13 तारीख को मुखबिर द्वारा सटीक सूचना दी गई कि घटना में संलिप्त अभियुक्तगण भागने की फिराक में हैं। जिस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक अपने साथ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और अभियुक्तगणों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, जिसमें अभियुक्त उनमें से एक अभियुक्त जीशान द्वारा पुलिस बल पर फायर किया गया, जिसमें आत्मरक्षा में पुलिस के द्वारा भी अभियुक्तगणों पर फायर किया, जिसमें जीशान नाम के एक अभियुक्त को बाएं पैर में गोली लगी। अभियुक्त जीशान को तत्काल सीएचसी उतरौला में एडमिट कराया गया, जहां से उसको जिला चिकित्सालय बलरामपुर में रेफर कर दिया गया। मौके से घटना में शामिल तीन अन्य अभियुक्त गणों को भी पुलिस की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त जीशान के कब्जे से बरामद अवैध तमंचे के संबंध में आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया है। सभी अभियुक्त गण के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बांडा के मतौड़ थाना में संदिग्ध हालत में किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कहा जा रहा है कि किसान पर 2 लाख रुपए का बैंक का कर्ज था और इसी परेशानी से तंग आकर उसने इस तरीके का कदम उठाया। ये भी जानकारी मिली कि बारिश की वजह से किसान की सारी फसलें बर्बाद हो गई। की फसल में जो बिन मौसम बरसात हुई है उस बरसात में पानी भर गया था। पूरी 10 बीघे में मतलब मटर बोया था, पूरा मतलब चौपट हो गया था, वो काटने लायक भी नहीं। जी जी। और 2 साल पहले लड़की की शादी हुई है बीच वाली की, तो उसमें कर्ज था इनके 2 लाख का केसीसी बना है, 2.5-3 लाख रुपए अदर है, कुछ यार बीमारियों का रिश्तेदारियों का, उसी टेंशन में ये 3-4 दिन से ज़्यादा परेशान रहते थे और घर आते थे तो यही बोलते थे कि मैं कर्ज कैसे निपटाऊँगा, लड़की की शादी अभी की करनी है, इस साल लड़का देखना है, मानसिक टेंशन थी उनको। शुरुआत में फसल 8-10 बीघे 7-8 बीघे ज़मीन थी जी, उसमें बारिश हुई, खेत भर गया, उसमें मतलब फसल पूरी तरह से चौपट हो गई। अब खेत जा गए तो वहाँ कुछ था नहीं, उसी से विक्षिप्त हो गए और ये कदम उठा लिया, फांसी लगा लिया। कब लगाई है ये? कल रात में लगाई। कल रात में? आज रात की। अब मत कुल मैं जो रात गुजर गई उसे। खबर मथुरा के गोविंद नगर से है, जहां 8 वर्षीय बालक यश शर्मा अपने घर से बाहर खेलते हुए संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। इस बीच अपहरणकर्ताओं ने बच्चे के पिता से फोन करके 6 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पुलिस ने टीम लगाकर बदमाशों की तलाश शुरू की और बच्चे को बदमाशों के चंगुल से सही सलामत बरामद किया। बरामदगी की खुशी में परिजनों ने मथुरा पुलिस को माला पहनाकर धन्यवाद किया। इस घटना के बारे में जो जानकारियां प्राप्त हुई हैं उसमें इस घटना को कारित करने वाले एक बदमाश को हिरासत में लिया गया है। अभी उससे गहनता से पूछताछ की जा रही है। उसके साथ कुछ अन्य लोग भी इस घटना में शामिल थे, जिनके द्वारा 6 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही थी। बच्चा है, उसके जो फादर हैं वो एक ऑटो रिक्शा चलाते हैं। इस घटना को
अनावरण करने के लिए पिछले 48 घंटे से भी ज़्यादा समय पर लगातार टीमें बिना रुके इसमें काम कर रही थी, जिसका ये परिणाम हम सबको मिला है। मैं साथ ही साथ इसमें जो बच्चे के पेरेंट्स हैं और उनके अन्य रिश्तेदार हैं उनका भी धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने पुलिस पर विश्वास रखा और अपना संयम बनाए रखा, और उनके इस सहयोग के कारण और टीम जो हमारी लगी हुई थी उनकी मेहनत के कारण ये बच्चा जो है सकुशल बरामद हुआ है। मैं इसके लिए पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।